हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो कैसे आप सब गाइस, अगर मैंने जो प्रीमियर वीडियो देखा है इसी स्टेप को स्टेट से, मैं आज आपको सिखाऊंगा कि आप कैसे बना सकते हो वो भी एलिटमस ऐप की मदद से। गाइस, अगर आपको भी इसी स्टेप को स्टेट से क्रिएट करना है अपने फोटो लगा के, तो गाइस इस वीडियो को एंड तक देखा। गाइस, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताऊंगा कि आपको इस स्टेप को स्टेट से बना के लेके क्या क्या करना है। तो वीडियो में बने रहना, और गाइस वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को सिर्फ एक लाइक कर देना, और गाइस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। तो चलो गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। गैस, इसके लिए सबसे पहले आपको एलिटमस ऐप ओपन कर लेना है। ओपन करना है दोस्तों, क्या करना है आपको, डिस्क्रिप्शन में इसमें जो भी मटेरियल चाहिए वो सभी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया, ठीक है। सेकी पैक और बीट मेक पी सेक, तो दोनों को आपको डाउनलोड करके एलिटमस में इनपुट कर लेना है, ठीक है। उससे दोस्तों आपको साइड में आपको प्रोजेक्ट का ऑप्शन मिल जाएगा नीचे, उसके ऊपर क्लिक कर देना, ठीक है। तो आपका जो बीट मेक प्रोजेक्ट और सेकी पैक पी सेट है वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो आपको सबसे पहले आपको बीट मेक पी सेट मिल जाएगा ऊपर, वो आपको ओपन कर लेना है। गैस, ओपन करना है दोस्तों, क्या करना है आपको, इस तरह से बीटमार्क मिल जाएगा, ठीक है। आपको यहाँ से 7 सेकंड तक आपको यहाँ से लिरिक्स लिखना है यहाँ तक, और बाकी से यहाँ सभी जगह पर आपको इमेज सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको शुरुआत में जाना है, और यहाँ नीचे प्लस का ऑप्शन दिखेगा उसके ऊपर क्लिक कर देना है गाइस। और यहाँ से आपको नीचे चौरस रेक्टेंगल मिल जाएगा, तो आपको कोई भी एक चौरस रेक्टेंगल सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उससे दोस्तों इसकी साइज आपको इस तरह से फुल कर लेनी है, इतना कर दिया गाइस। अब आपको क्या करना है, नीचे आपको कलर एंड फिल का ऑप्शन मिल जाएगा, उसके ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। और यहाँ पर तीसरे में ये ऑप्शन मिल जाएगा, उसके ऊपर क्लिक कर देना होगा गाइस। उसके बाद दोस्तों उसी के नीचे आपको बीच में जो ऑप्शन मिल जाएगा उसके ऊपर क्लिक कर देना, ठीक है। उसके ऊपर क्लिक करो दोस्तों, क्या करना है आपको, ये बीच में लाइन दिखेगी, उस लाइन को आपको खींच के इस तरह से बीचों बीच ला के रख देना, ठीक है। यहाँ पर बीचों बीच अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना गाइस। उससे दोस्तों नीचे वाली लाइन है उसे भी आपको इस तरह से एडजस्ट कर लेना होगा गाइस। तो यहाँ पर बीचों बीच इस तरह से एडजस्ट कर लेना होगा गाइस। उससे क्या करना गाइस, नीचे आपको व्हाइट कलर का ऑप्शन मिल जाएगा, उसके ऊपर क्लिक करना है गाइस। और यहाँ आपको बीच में ये ऑप्शन मिल जाएगा, उसके ऊपर क्लिक कर देना है। और यहाँ से आपको जो भी कलर अच्छा लगे वो आपको कलर सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। पहले तो आपको ये डॉट को बीच में है उसे खींच के आपको इस तरह से ऊपर की ओर ले आना है, ठीक है। उससे दोस्तों आपको जो भी कलर अच्छा लगे वो आप कलर सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो मुझे ये कलर अच्छा लग रहा है तो मैं ऐसे ये कलर सिलेक्ट कर रहा हूँ गाइस। सिलेक्ट करना उसको क्या करना है आपको, उसी के साइड में आपको ब्लैक कलर का ऑप्शन मिल जाएगा, ब्लैक कलर के ऊपर क्लिक कर देना है। और यहाँ से आपको सिंपल ये व्हाइट कलर का ऑप्शन मिल जाएगा, व्हाइट कलर सिलेक्ट कर लेना है गाइस। तो आपको सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसे क्लोज कर देना है, और आपको पूरा बैक आ जाना है। पूरा बैक करना उसको क्या करना है आपको, ये रेक्टेंगल को आपकी लिरिक्स जहाँ तक है वहाँ तक आपको खींच लेना है, ठीक है। तो ये रेक्टेंगल के ऊपर क्लिक करना है, और आपको इस तरह से आपकी लिरिक्स जहाँ तक होगी वहाँ तक आ जाना है, ठीक है। तो हमारे 7 सेकंड तक हमारे लिरिक्स है यहाँ तक, तो हम यहाँ तक आ जाते हैं। और यहाँ पर दूसरे में भी ऑप्शन मिल जाएगा, उसके ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो आपका रेक्टेंगल वहाँ तक आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, अब आपको सॉन्ग की पहली लाइन लिखनी है, ठीक है, लिरिक्स लिखना है। तो उसके लिए क्या करना है, यहाँ से आपको बैक आ जाना है, और हमारा सेकी पैक का प्रीसेट है उसे आपको ओपन कर लेना होगा गाइस। ओपन करना है दोस्तों, देख सकते हो इसमें आपको लिरिक्स भी मिल जाएगी, और आपको यहाँ से इमेज के ऊपर सेकी पैक भी मिल जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये लिरिक्स या लिरिक्स को आपको दोनों को कॉपी कर लेना है, ठीक है। तो दोनों को आपको इस तरह से पहले सिलेक्ट कर लेना है, उससे दोस्तों आपको इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना होगा। और यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से आपको कॉपी टू लेयर का ऑप्शन मिल जाएगा, उसे आपको सिलेक्ट कर लेना है गाइस। तो मैं इसे कॉपी टू लेयर कर लेता हूँ। उससे दोस्तों बैक आ जाना है, और हमारा बीट मार्क प्रोजेक्ट है उसे आपको फिर से ओपन कर लेना है। ओपन करना है दोस्तों, शुरुआत में जाना है, और यहाँ से आपको फिर से इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है, और यहाँ से आपको पेस्ट टू लेयर कर देना है, तो हमारी लिरिक्स आ जाएगी, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये बीट मार्क है, बीट मार्क तक आपको लिरिक्स को खींच लेना है, ठीक है। तो ये बीट मार्क तक आ जाना है, और आपको सबसे पहले ऊपर वाले लिरिक्स के ऊपर क्लिक कर देना है, और आपको एक टाइमर का ऑप्शन मिल जाएगा, उसके ऊपर क्लिक कर देना है गाइस। और यहाँ से आपको इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है, तो आपकी लिरिक्स वहाँ तक आ जाएगी। उसी तरह से नीचे वाले लिरिक्स के ऊपर क्लिक करना है, फिर से टाइमर के ऑप्शन में जाना है, और इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो आपकी लिरिक्स ये भी यहाँ तक आ जाएगी। उससे दोस्तों क्या करना है, इसका टेक्स्ट आपको चेंज करना है, ठीक है। तो आपको ऊपर वाले लिरिक्स को आपको छेड़ना भी नहीं है, ठीक है। नीचे वाले लिरिक्स है उसके ऊपर क्लिक कर देना है, आपको नीचे एडिट टेक्स्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, उसके ऊपर क्लिक कर देना होगा, और इसे मिटा देना है, और आपकी लाइन जो है वो आपको लिख लेना है, ठीक है। आपकी लाइन बड़ी होगी तो आपको 2 वर्ड ऊपर लिखना है और 2 वर्ड नीचे लिखना है, ठीक है। तो मेरी लाइन बड़ी है तो मैं 2 वर्ड ऊपर लिख रहा हूँ, और बाकी का वर्ड नीचे लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये दोस्तों मैं लिख लेता हूँ गाइस। तो कैसे आप देख सकते हैं, मैंने पहला वर्ड लाइन लिख लिया, ठीक है। अब आपको सिंपल टिक कर देना है, ठीक है, कुछ भी नहीं करना है। उससे दोस्तों देख सकते हैं हमारी पहली लाइन कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये नीचे वाली इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, और आपको यहाँ शेडो का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है, बॉर्डर एंड शेडो का ऑप्शन मिल जाएगा, उसके ऊपर क्लिक कर देना, ठीक है। और यहाँ से आपको ऊपर स्ट्रोक्स का ऑप्शन मिल जाएगा, उसे आपको ऑन कर देना है, और ये नीचे 4 लिखा है उसे आपको कर देना है 2.0 कर देना है। उससे दोस्तों क्या करना है, इसे क्लोज करके आपको पूरा बैक आ जाना है। ये हमारी पहली लाइन कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये पहली लाइन उसे आपको कॉपी कर लेना है, ठीक है। दोनों वर्ड दोनों लेयर्स को आपको कॉपी कर लेना है। उसे दोस्तों आपको ऊपर ए ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है, और यहाँ से आपको कॉपी टू लेयर कर लेना है। उसे दोस्तों ये लेयर जहाँ पर खत्म होती है वहाँ तक आ जाना है, और यहाँ से आपको फिर से इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है, और ये आपको सिंपल पेस्ट टू लेयर कर देना है, ठीक है। तो अभी दूसरी लाइन भी आ जाएगी। अब आपको क्या करना है, ये लेयर्स जो अगला बीट मार्क है वहाँ तक आ जाना है, ऊपर वाले लेयर्स के ऊपर क्लिक करना है, टाइमर में जाना है, और इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो आपकी लेयर्स वहाँ तक आ जाएगी। उसी तरह से नीचे वाले लेयर्स के ऊपर क्लिक करना है, फिर से टाइमर में जाना है, और यहाँ से आपको इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना होगा गाइस। उसका दोस्तों इसका भी टेक्स्ट चेंज कर लेते हैं, तो नीचे वाले लेयर्स के ऊपर क्लिक करना है, नीचे एडिट टेक्स्ट में जाना है, और इसे मिटा देना है, और आपकी सेकंड लाइन जो भी है वो आपको लिख लेनी है गाइस।
तो गाइस आप देख सकते हैं मैंने सेकंड लाइन भी लिख ली। अब आपको क्या करना है, सिंपल आपको टिक कर देना है, ठीक है। टिक करने से क्या करना है, आपको ये जो रेड कलर की जो लाइन जा रही है वो आपको चेंज करनी है, ठीक है। तो आप चेंज करना चाहते हो तो कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आपको नीचे वाले लेयर से उसके ऊपर क्लिक करना है, नीचे आपको इफेक्ट ऑप्शन मिल जाएगा उसके ऊपर क्लिक कर देना है, और यहाँ पर तीसरे में स्ट्रिप्स की इफेक्ट मिल जाएगी, ठीक है, उसके ऊपर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद दोस्तों आपको नीचे जाना है, या नीचे आपको कलर का ऑप्शन मिलेगा, उसमें आपको रेड कलर मिलेगा, ठीक है। तो रेड कलर के ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ से आपको जो भी कलर अच्छा लगे वो आप कलर सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो आपको दूसरे नंबर के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है, और यहाँ से मैं ग्रीन कलर सिलेक्ट कराऊँ, ठीक है। तो ग्रीन कलर सिलेक्ट कर लिया, उससे दोस्तों देख सकते हमारे लेयर्स के ऊपर ग्रीन कलर आ चुके हैं। उससे दोस्तों इसे क्लोज कर देना और बैक आ जाना है। तो देख सकते यार इसके ऊपर ग्रीन कलर आ चुके हैं, और पहले लेयर से उसके ऊपर रेड कलर है, ठीक है। तो आप देख सकते ये दोनों के ऊपर कलर चेंज है। अब आपको इसी तरह से तीसरी लाइन लिखनी है, ठीक है। तो ये लाइन जहाँ पर खत्म होती है वहाँ तक आ जाना है, फिर से इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और पेस्ट टू लेयर कर देना, ठीक है। इसी तरह से वन बाय वन आपको ये जो चार लेयर्स है वो चार लेयर्स आपको लिख लेना है, ठीक है। तो मैं चार लेयर्स कंप्लीट करके आपको दिखाता हूँ गाइस। तो दोस्तों मैंने चारों लिरिक्स लिखे, आप देख सकते हैं मैंने चारों लिरिक्स लिया, और इसे चारों चारों के ऊपर कलर भी चेंज है, ठीक है। आपको अभी कलर अलग चेंज करना चाहते हो तो चेंज कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको रेड कलर ही रखना है तो रेड कलर भी रख सकते हो। उसके दोस्तों क्या करना है, चारों लिरिक्स लिख लिया, अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ से आपको इमेज सिलेक्ट करना है, ठीक है। सभी जगह पर आपको क्या करना है, ये लिरिक्स जहाँ पर खत्म होता है वहाँ आ जाना है, और आपको नीचे प्लस का ऑप्शन दिखेगा उसके ऊपर क्लिक कर देना है, और यहाँ आपको ऊपर मीडिया का ऑप्शन मिल जाएगा उसके ऊपर क्लिक कर देना है, और यहाँ से आपको इमेज सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। वन बाय वन आपको इमेज सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं पहले इमेज सिलेक्ट कर लेता हूँ गाइस। पहले इमेज सिलेक्ट करने से क्या करना है, आपको ऊपर थ्री डॉट दिखेगा उसके ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ से आपको फिल कंपोजिशन एरिया नाम का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। उसे सिलेक्ट कर लेना है गाइस, तो हमारी इमेज की साइज फुल स्क्रीन हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद दोस्तों क्या करना है, आपको इमेज को एडजस्ट करना चाहते हैं तो नीचे मूव एंड ट्रांसफर में जाना है, और यहाँ से आपको इमेज को जहाँ पर भी रखना चाहते हैं वहाँ पर एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं बीचों बीच ही रख रहा हूँ। उससे दोस्तों क्या करना है, आपको आगे जाना है, ये बीटमार्क है, बीटमार्क को आपको इमेज को खींच लेना है, ठीक है। तो बीटमार्क तक आ जाना है, इमेज के ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ से दूसरे नंबर के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। आपका इमेज वहाँ तक आ जाएगा। उससे दोस्तों यहाँ से आपको दूसरा इमेज सिलेक्ट करना है, तो फिर से प्लस के आइकन पर क्लिक करना है, मीडिया के ऑप्शन में जाना है, और आपको सेकंड इमेज जो भी रखना है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। उससे दोस्तों फिर से थ्री डॉट के ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ से आपको फिल कंपोजिशन एरिया नाम का ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो इमेज की साइज फुल हो जाएगी। अगला बीट मार्क है वहाँ तक आ जाना है, और इमेज का बाकी का पार्ट काट देना है, ठीक है। तो आपको इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है, तो बाकी का पार्ट कट जाएगा। उससे दोस्तों आगे का इमेज सिलेक्ट करना है, तो फिर से नीचे प्लस का आइकन के ऊपर क्लिक कर देना है, मीडिया के ऑप्शन में जाना है, और यहाँ से आपको थर्ड इमेज जो भी सिलेक्ट करना है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। उससे दोस्तों फिर से ये सब थ्री डॉट के ऊपर क्लिक कर देना है, और यहाँ से आपको फिल कंपोजिशन एरिया नाम का ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। उससे दोस्तों इमेज को एडजस्ट करना है, तो नीचे मूव एंड ट्रांसफर में जाना है, और यहाँ से आपको इस तरह से इमेज को एडजस्ट कर लेना है, ठीक है। अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना गाइस। तो दोस्तों आपको इसी तरह से सभी इमेज को सिलेक्ट करना है, ठीक है। उससे दोस्तों आगे आ जाना है, और इमेज का बाकी का जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो काट देना है, ठीक है। तो इमेज के ऊपर क्लिक कर देना है, और यहाँ से आपको इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है, तो बाकी का एक्स्ट्रा पार्ट कर जाएगा, ठीक है। आपको इसी तरह से वन बाय वन सभी इमेज सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो मैं सभी इमेज सिलेक्ट करके आपको दिखाता हूँ गाइस। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने एंड तक वन बाय वन सभी इमेज सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। आपको भी इसी तरह से वन बाय वन सभी इमेज सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको 110% वहाँ पर रिप्लाई दूंगा, ठीक है। तो इंस्टाग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ मुझे फॉलो कर लेना गाइस। अब आपको क्या करना है, इन सभी इमेज के ऊपर आपको इफेक्ट लगाना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ से आपको बैक आ जाना है, और हमारा सेकंड वाला प्रीसेट ओपन कर लेना है। ओपन करने वाले दोस्तों क्या करना है, आपको ये जो फर्स्ट वाला जो इमेज मिल जाए इसी इमेज को आपको इफेक्ट कॉपी कर लेना है, ठीक है। तो ये इमेज के ऊपर क्लिक करना है, नीचे आपको इफेक्ट में जाना है, और नीचे थ्री डॉट के ऊपर क्लिक कर देना है, और यहाँ से आपको कॉपी इफेक्ट कर लेना है। उससे दोस्तों यहाँ से बैक आ जाना है, बैक दोस्तों हमारा बीटमार्क प्रोजेक्ट है, उसे आपको फिर से ओपन कर लेना है। ओपन करने वाले दोस्तों क्या करना है, हमारे जो फर्स्ट वाला इमेज है वहाँ तक आ जाना है, ठीक है। तो फर्स्ट वाला इमेज तक आ जाता है गाइस, ये हमारा पहला इमेज है, ठीक है। तो आपको ये इमेज को ऊपर आपको पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो ये इमेज के ऊपर क्लिक करना है, नीचे आपको इफेक्ट ऑप्शन मिल जाएगा उसके ऊपर क्लिक कर देना है, और यहाँ नीचे थ्री डॉट के ऊपर क्लिक कर देना है, और यहाँ से आपको पेस्ट इफेक्ट कर देना है, ठीक है। पेस्ट इफेक्ट करना है तो देख सकते ये इमेज के ऊपर ये इफेक्ट लग चुके, ठीक है। आप देख सकते ये इमेज के ऊपर भी इफेक्ट लग चुके। अब आपको क्या करना है, ये किसी इमेज के ऊपर नहीं पेस्ट करना है, ये पहले वाला इमेज के ऊपर ही पेस्ट करना है, ठीक है। अब आपको फिर से यहाँ से बैक आ जाना है, और फिर से सेकंड इफेक्ट का प्रीसेट ओपन कर लेना होगा गाइस। ओपन करना है दोस्तों क्या करना है, ये जो सेकंड वाला इमेज है इसकी इफेक्ट आपको कॉपी कर लेना है, ठीक है। तो सेकंड वाला इमेज के ऊपर क्लिक करना है, नीचे आपको इफेक्ट में जाना है, और नीचे थ्री डॉट के ऊपर क्लिक करके आपको कॉपी इफेक्ट कर लेना है। उससे दोस्तों सिंपल बैक आ जाना है, और बीटमार्क प्रोजेक्ट फिर से ओपन कर लेना होगा। बीटमार्क प्रीसेट ओपन कर लिया, अब आपको क्या करना है, आपको जो पहला इमेज है उसके आगे वाले इमेज है उसके ऊपर आना है, ठीक है। जो पहले वाले इमेज के ऊपर हमने इफेक्ट लगा ली, अब आपको क्या करना है, उससे बाकी से जो भी इमेज है उन सभी इमेज के ऊपर आपको पेस्ट कर देना, ठीक है। पहले इमेज छोड़ के आपको सभी इमेज के ऊपर ये इफेक्ट पेस्ट कर देना, ठीक है। तो वन बाय वन सभी इमेज के ऊपर पेस्ट कर देना है। तो आपको दूसरे वाले इमेज के ऊपर क्लिक कर देना है, नीचे आपको इफेक्ट में जाना है, थ्री डॉट के ऊपर क्लिक कर देना है, और पेस्ट इफेक्ट कर देना है। तो दोस्तों देखते इसके ऊपर भी ये इफेक्ट लग चुके हैं। अब आपको उसके अगले इमेज के ऊपर क्लिक करना है, नीचे इफेक्ट में जाना है,
थ्रीडर के ऊपर क्लिक करके पेस्ट पे कर देना, ठीक है। बाकी जो भी इमेज है उन सभी के ऊपर पेस्ट कर देना, ठीक है। तो वन वन सभी के इमेज के ऊपर पेस्ट कर देता हूँ गाइज। तो आप देखते हैं ये सभी इमेज के ऊपर इस तरह से इफेक्ट में जाना है, थ्रीडर के ऊपर क्लिक करके पेस्ट पे कर देना, ठीक है। इसी तरह से वन बाय वन सभी इमेज के ऊपर पेस्ट कर देना, ठीक है। बहुत ही आसान है गाइज। तो दोस्तों देखते हैं इसी तरह से आपको करना होगा, ठीक है। तो इमेज के ऊपर क्लिक कर देना है, इफेक्ट में जाना है, थ्रीडर के ऊपर क्लिक करके पेस्ट पे कर देना है। बहुत ही सिंपल है। तो मैं सभी इमेज के ऊपर पेस्ट करके आपको दिखाता हूँ गाइज। तो दोस्तों देखते हैं मैंने एंड तक ये सभी इमेज के ऊपर पेस्ट कर दिया, ठीक है। आपको भी इसी तरह से वन वन इमेज के ऊपर पेस्ट कर देना, ठीक है। तो हमारा ये वीडियो बनके कंप्लीट हो जाएगा। अब आपको क्या करना है गाइस, अब आपको इस वीडियो को आपको सेव कर लेना है, ठीक है। तो सेव करने के लिए क्या करना है, ऊपर आपको ये एरो दिखेगा, उस एरो के ऊपर क्लिक कर देना होगा गाइस। और यहाँ आपको वीडियो में जाना है और आपको रिजोल्यूशन में 1080 सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसे नीचे आके आपको एक्सपोर्ट कर देना है, तो आपका वीडियो फुल साइज में सेव हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा। इस वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब कर देना, और गाइस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। तो चलो गाइस चलते हैं, मिलते हैं इस मजेदार दूसरी वीडियो। तब तक के लिए बाय दोस्तों।